वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने समझा था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन यहाँ पर हम जो है अब इनपुट्स के प्राइस में चेंज शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं हम, मतलब कि कमोडिटी के प्राइजेस में चेंज होने के बाद किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन होगा। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने ऑल सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिया था कि इस तरीके से आपका एग्रीगेट डिमांड आपका डिस्कस होगा। अगर आप एग्रीगेट डिमांड के इस पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पर भी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अगर एग्रीगेट डिमांड के इस कर्व की बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, जहाँ आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आपके पास में सप्लाई इक्वल है, यहाँ पर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के स्टेज पर है। तो एग्रीगेट डिमांड का कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है। तो लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन को समझा था, और आज की क्लास में हम जो है मूवमेंट अलोंग द, आज के जो टॉपिक है चेंज इन, ये मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व में मूवमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का चाहे पॉइंट ए हो चाहे एग्रीगेट डिमांड का पॉइंट बी हो, ये इक्विलिब्रियम लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी के। तो आपके पास में एक तो आपके पास में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा एग्रीगेट डिमांड में। वो डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब कमोडिटी की प्राइस क्या होगी आपकी, कमोडिटी की प्राइस अगर आप देखते हैं तो फॉल हो जाए, कमोडिटी की प्राइस अगर फॉल हो जाए तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये बताता है, मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखिएगा, मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा टॉपिक ये है। मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा टॉपिक बच्चे ये है। मूवमेंट, पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने किस तरीके से बनेगा। मैं यहां पर एक बार बना देता हूं, ओरिजन है, एक्स एक्सिस है, जो कि एक्स एक्सिस आपके रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस है जो प्राइस को, प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड कुछ इस तरीके का आपका एग्रीगेट डिमांड कुछ आपका इस तरीके का आपका बना था एग्रीगेट डिमांड का। तो प्राइस का एक लेवल ले लेते हैं, ओपी प्राइस पर, ये आपका जीडीपी का लेवल है ओ वाई, और जैसे ही प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो आपको पता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो जाता है। क्योंकि आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बताया हुआ है तो मुझे इतना ज्यादा उसमें जाने की नीड नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं मैं। प्राइस इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड आपका कम होता है, क्यों, क्योंकि प्राइस आपका बेसिकली क्या होता है कि एक तो आपके कंजम्पशन को भी कम कर देता है, क्लियर है, और उसके बाद आपके पास में नेट एक्सपोर्ट को भी, ये आपके नेट एक्सपोर्ट को भी ये कम कर देता है, जो कि क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। तो आइए चेक कर लीजिए, अगर आप प्राइस इंक्रीज होगा अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के, तो आप खुद देख लीजिएगा कि आपका जो है एग्रीगेट डिमांड आपका, मतलब कि जो नेशनल इनकम का लेवल है वो कम हो जाएगा। बात समझे, क्लियर है, क्योंकि अगर आपके इकोनॉमी में कमोडिटी के प्राइस कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज हो गए या प्राइस बढ़ गए तो लोगों का कंजम्पशन का लेवल कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया,
पर हमारा एक्सपेंडिचर ही तो किसी की इनकम बनती है। जब हमारा एक्सपेंडिचर ही कम हो गया तो नेशनल इनकम भी कम होगा, तो जीडीपी हमारी क्या होगी, कम हो गई। और इसी तरीके से अगर प्राइस डाउन होते हैं तो इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे OY2, तो आप देखेंगे कि आपके पास में रियल जीडीपी बढ़ गया, क्योंकि प्राइस डाउन होने से क्या होता है, प्राइस अगर कम हो गया तो कंजम्पशन लो का बढ़ेगा और नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। नेट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, लास्ट क्लास की वीडियो देखेंगे उसको तो पता चल जाएगा। और कुल मिलाकर के आपका जो है ये एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट से ये आपके बढ़ जाएंगे। बात समझे, क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए अब आपको यहां पर ये आप देख रहे हैं, पहले आप थे कहां, पहले आप यहां थे, उसके बाद आप यहां गए, क्लियर है। इसको अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे आप, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट। और उसके बाद आप फिर यहां पर आए प्राइस के डाउन होने से, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक एग्रीगेट डिमांड का कोई भी पॉइंट आपका इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका जो हमने इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल से ही एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करा था। ये तो खैर आपको मूवमेंट समझ में आ गया, लेकिन मेन क्वेश्चन आता कहां से है, मूवमेंट से नहीं आता है मेन क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको, चेंज इन द एग्रीगेट मूवमेंट अलोंग द एडी कर्व, मूवमेंट अलोंग क्या कहता है वो भी चलिए पढ़ देता हूं। मूवमेंट अलोंग एडी कर्व रेफर टू चेंज इन द लेवल ऑफ द जीडीपी एज द रियल रिजल्ट ऑफ द, देखिए अगर इस पे मूवमेंट हो रहा है तो मतलब जीडीपी का लेवल चेंज हो रहा है, अगर ये ऊपर गया तो जीडीपी का लेवल कम हो गया, तो वही बात कह रहा है। मूवमेंट अलोंग द एडी कर्व टू चेंज इन द लेवल ऑफ द जीडीपी रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस लेवल, किस वजह से प्राइस लेवल में चेंज आता है। दिस ऑल्सो मेजर द स्लोप ऑफ द एडी कर्व विच द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेवल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस द लेवल ऑफ द जीडीपी ऑल्सो रिड्यूस द सिमिलरली विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ द लेवल। वेन प्राइस लेवल इंक्रीज and real GDP reduce, there is the backward movement along the AD curve. When price level falls, the real GDP rise, there is the forward, मतलब नीचे forward movement along the same AD curve. Clear, this backward and forward movement along the AD curve suggests the negative slope of the AD curve. तो ये AD curve का क्या होता है, हम always आपका negative slope होता है, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, अगर एक चीज कम हो रही है दूसरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो खैर आपको मेन आपको समझना क्या है, सवाल आपका ये क्वेश्चन आपको समझना है, ये जरूरी है आपके लिए। एग्रीगेट डिमांड शॉक्स आपको समझना है कि एग्रीगेट डिमांड शॉक्स क्या होते हैं। देखिएगा एग्रीगेट डिमांड शॉक्स क्या होते हैं आपके, एग्रीगेट डिमांड शॉक्स उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ओरिजन है, एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है हमारे पास में, और रियल जीडीपी है, और यहां पर हम जो है प्राइस लेवल ले रहे हैं, प्राइस लेवल ले रहे हैं, और हम बात करते हैं यहां पर एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है जी, ये हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व मूवमेंट क्या होता है वो तो आपको पता है कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से मूवमेंट होता है। कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो जाएगी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो आपको पता है कि मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो इसका मूवमेंट होता है, जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। बट मैं आपको आपसे ये बता रहा हूं एग्रीगेट डिमांड शॉक टॉपिक क्या है मैडम, अभी टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं एग्रीगेट डिमांड शॉक्स, क्लियर है। ये क्या होता है,
बच्चे आप देखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड सिर्फ कमोडिटी की प्राइस की वजह से ही इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है, इसके अलावा भी कई बार होता है कि कमोडिटी की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कमोडिटी की प्राइस क्या है, कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है, और कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से अदर फैक्टर की वजह से इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट होती है। पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट हो रही है तो फिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, उसके पीछे रीजन अगर होगा देखिएगा, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड अगर ये अफेक्ट हो रहा है तो पहला रीजन क्या होगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज। ये जनरल प्राइस भी कहते हैं, एक ही बात है, क्लियर है। और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्लियर है जी। ये ऑलरेडी टॉपिक हमारा भी हो गया है कि एग्रीगेट डिमांड अगर अफेक्ट होता है इन वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजन वाई एक्स रियल जीडीपी प्राइस दिस वन प्राइस ओ वाई, प्राइस में चेंज आया पी वन वाई डैश वाई वन, प्राइस में चेंज आया पी टू वाई टू। ये तो आपका क्या है कि आपके पास में एग्रीगेट डिमांड जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब किस वजह से इफेक्ट होती है आपके प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है। बट कई बार क्या होता है, कई बार अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार रिस्पॉन्स एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने के लिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। एक तो उसकी कमोडिटी के प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार क्या होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉन्स्टेंट जनरल प्राइस आर कॉन्स्टेंट, कई बार इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है ड्यू टू अदर फैक्टर, क्लियर है। किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है। अदर फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टैक्स पॉलिसी, और क्या हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कई बार कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आया ही नहीं इकोनॉमी में, वो तो कांस्टेंट है जनरल प्राइस, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ना अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू, मतलब फिस्कल पॉलिसी आप इसको कह सकते हो, क्या ड्यू टू अदर फैक्टर आप, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो फिस्कल पॉलिसी, इसको आप ये भी कह सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड या पॉलिसी। तो कई बार जनरल प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, बट गवर्नमेंट क्या करती है अपने फिस्कल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर के आती है। फिस्कल पॉलिसी में चेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट बताइए टैक्स रेट को बढ़ा दे, अगर गवर्नमेंट क्या करे टैक्स को बढ़ा दे, तो आप इस चीज को देखिएगा एग्रीगेट डिमांड क्या रहेगा। अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर मेरे पास में खर्च करने के लिए पैसा कम बचेगा, मतलब डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टैक्स बढ़ेगा तो आप समझिएगा, अगर यहां पर आप सिंपल देखिएगा टैक्स पॉलिसी के पहले समझा देता हूं मैं, अगर टैक्स इंक्रीज हुआ तो जो इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगा, मतलब जो खर्च करने के लिए पैसा बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की इनकम है, पहले 10% टैक्स देता था तो खर्च करने के लिए मुझे 90,000 बच जाया करते थे,
अब 1 लाख की इनकम है, अब टैक्स बढ़ गया है, 20% हो गया है, तो अब मुझे 20,000 टैक्स देना पड़ जाता है, तो खर्च करने के लिए 80,000 बच जाते हैं। तो जो खर्च करने के लिए टैक्स देने का बच जाता है, इसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और अगर टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम मेरा कम रहेगा, कम बचेगा। और जब मेरा डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगा तो फिर इसके मतलब ये हो गया खर्च करने के लिए पैसा कम बचा, तो फिर मेरा जो एग्रीगेट डिमांड वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्लियर है जी, बात समझे? और ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद अगर मान लीजिए टैक्स कम हो जाए तो फिर डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, खर्च करने के लिए लोगों का पैसा ज्यादा रहेगा, और फिर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। बात समझे? तो टैक्स में चेंज और एग्रीगेट डिमांड में जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट रिलेशन है। टैक्स पॉलिसी में और एग्रीगेट डिमांड में कैसा रिलेशन पाया जाएगा? टैक्स पॉलिसी और डिमांड में इसमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? और इसके अलावा और भी चीजें हैं, सिर्फ टैक्स पॉलिसी नहीं आती है फिस्कल पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, प्राइस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, वो अदर पॉलिसी है। आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखिएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी, अगर इसको इंक्रीज करती है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कर रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है, लोगों को ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, लोगों को पेंशन दे रही है, तो लोगों के पास में पैसा आता है, और इससे क्या होता है, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, अगर कम कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। तो सबसे पहले जब आपके जनरल प्राइस तो कांस्टेंट है, बट आपके फिस्कल पॉलिसी में चेंज आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, शिफ्टिंग होती है इसमें। क्या होता है इसमें, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या देखने को मिलेगा आपको इसमें, आपका शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट होगा इसमें। क्लियर है? कैसे शिफ्ट होगा वो भी देख लेते हैं जरा, ज्यादा छोटा कर नहीं सकते ना हम। जैसे ये है आपका, ठीक है जी, एग्रीगेट डिमांड कर भी ये रहा आपका रियल जीडीपी प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है ना टैक्स, क्या हुआ गवर्नमेंट का टैक्स, आपको आपने देखा क्या हुआ यहां पर, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड आपका, सॉरी ये आपका इनवर्स रिलेटेड है, क्योंकि टैक्स अगर आपका बढ़ता है तो कम होता है, डिमांड कम होता है, इनवर्स रिलेटेड है ये दूसरे से, और टैक्स कम होता है तो ज्यादातर डिमांड कम होता है, तो इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहां पर अगर आपका टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना मैं आपको, तो इस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा AD1। क्लियर है? तो इस केस में क्या हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, टैक्स गवर्नमेंट ने क्या करा, कम करा, ठीक है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करा, बढ़ा दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा दे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि सेम प्राइस लेवल पे, सेम जनरल प्राइस पर आप देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ भी रहा है, एग्रीगेट डिमांड आपका कम भी रहा है, कम भी हो रहा है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शॉक, इसी को हम क्या कहते हैं,
इन्हीं चीजों को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शॉक। अब कहां लिखूं इसको, ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड शॉक। ये क्या होता है, ये हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड शॉक होता है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एग्रीगेट डिमांड का दो चीजों से तो बनता है, वो प्राइस और जीडीपी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड रियल जीडीपी। क्लियर है जी, ये बात समझ में आपको आया? तो सबसे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड शॉक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। डन। तो आइए, मेरा सवाल क्या था, एग्रीगेट डिमांड शॉक ये क्या होता है? वी नो प्राइस लेवल अफेक्ट्स द जीडीपी थ्रू द चेंज इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली देर ये रहा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड शॉक चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कह रहा है, किससे डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है? तो चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी थ्रू द चेंज इन द सेंट्रल बैंक। देखिएगा, पहले समझिएगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। सेंट्रल बैंक आपको पता है हर कंट्री का अपना एक ऐसा बैंक होता है जो कि करेंसी को इश्यू करता है, जो कि मुद्रा जारी करता है। भारत के पास में भी एक ऐसा बैंक है, इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कहते हैं यहां पर। और हर कंट्री के अपने ऐसे जो कि करेंसी इश्यू करता है उस कंट्री का, उसको सेंट्रल बैंक होता है, बट उसका अपना अपना नाम होता है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है, सबको कॉमन तो हम सेंट्रल बैंक ही कहते हैं, बट जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है उसका जो नाम है वो रिजर्व बैंक इंडिया आरबीआई बोलते हैं, और हर कंट्री का अपना अलग अलग नाम है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग आरबीआई भी क्या करती है, एक तो फिस्कल पॉलिसी वो होता है जो कि पार्लियामेंट के अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होता है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उसको तो हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेकिन आरबीआई अपनी पॉलिसी के थ्रू, मतलब सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर ये काम कौन करे, ये काम आरबीआई करे, सेंट्रल बैंक करे। आप सवाल ये कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड पूरे कंट्री के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, भैया वो कर सकता है। मान लो कि सेंट्रल बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दे, क्योंकि जो जितने भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक वो बैंक है जहां पर आप अपने डिपॉजिट्स को रख सकते हो और जहां से आपको लोन ऑफर होता है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो आपका एक्सिस बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे PNB हो, ये सभी बैंकों में आप पैसा जमा करवा सकते हो, ये सभी बैंक आपको लोन भी देते हैं। तो ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है? तो ये सारे कमर्शियल बैंक जो है किसके कंट्रोल में रहता है, वो आरबीआई सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में काम करते हैं। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक ने दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप जो है काफी लो कर दो, कम कर दो, खासकर जब रिसेशन होता है ना, जब मंदी होती है, मतलब कि जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन के जस्ट बाद वाले सिचुएशन कि चीजें तो पड़ी हुई हैं, लोग कोई खरीद नहीं रहा, पॉकेट में पैसा नहीं है लोगों के, तो इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भैया लोगों की डिमांड बढ़े, जिससे कम से कम बेरोजगारी तो रुके, तो लोगों की डिमांड बढ़े ही कैसे, पैसा डालने के लिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट क्या करेगी, तो मैं बता चुका हूं, लेकिन आरबीआई क्या करेगी उसको समझिएगा। आरबीआई क्या करेगी, लोन रेट जो है इंटरेस्ट रेट काफी सस्ता कर देगी, काफी सस्ते पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगी। अगर काफी सस्ते पर अगर आरबीआई ने लोन देना शुरू कर दिया, मतलब कि बैंक, तो लोगों अगर लोगों 4% 5% पे 3% पे 5-7-8% पे अगर उसको लोन मिल रहा है, तो लोग उस पैसे को जरूर लोन लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे और उस पैसे से अपना मकान या फिर अदर अपने एक्सपेंसिस वगैरह वो करेंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगर देखिएगा भैया इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोग डिमांड जबरदस्त कर रहे हैं, भैया कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फटाफट क्या करेगा आरबीआई, जो इंटरेस्ट रेट को वो हाई कर देगा। इंटरेस्ट रेट को हाई करने से क्या होगा कि लोगों के लिए लोन लेना जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा,
लोग लोन नहीं लेंगे और लोगों का खर्चा थोड़ा कम कंट्रोल में आएगा, और खर्चा कंट्रोल में आएगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने जो है पॉलिसी, इसमें CRR होता है, इसमें SLR होता है, क्लियर है, वो आगे टॉपिक होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी से ये इफेक्ट करता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारे प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये वही बात कह रहा है कि चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी थ्रू द विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा भी सकता है, मनी सप्लाई कम भी कर सकता है। मतलब मनी सप्लाई मतलब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा बढ़ा देने का मतलब होता है कि मनी सप्लाई बढ़ गई, लोगों जेब से पैसे को निकाल लेने का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो गई है। तो मनी सप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी इन ऑर्डर टू द अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रोथ में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो और आर द सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप कहेंगे सर कि इसमें जो है सबसे पहले ये बैंक रेट तो समझ में आ गया, मैंने जो भी बताया आपको, क्लियर है, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये करती है RBI कि जो शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं उसको जो है बेचना शुरू कर देती है। अगर मनी सप्लाई कम करना है तो, मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो डिमांड को कम करने की नीड है, तो उससे मनी सप्लाई कम करेंगे तभी तो लोगों की डिमांड कम होगी। तो इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम करने के लिए वो क्या करेंगे, शेयर्स डिबेंचर वगैरह बेचना शुरू कर देंगे, इससे लोगों का पैसा यहाँ ब्लॉक हो जाए। लोग बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे, तो फ्री में थोड़ी खरीद लेंगे, लोग पैसा देके खरीदेंगे ना, तो लोगों का पैसा यहाँ आ जाएगा। तो इकोनॉमी क्या हुआ, मनी सप्लाई कम हो गई, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अगर रिसेशन है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, तो RBI क्या करेगी, RBI खरीदने लग जाएगी बाकी कंपनियों के शेयर्स वगैरह, जिससे कि बाकी कंपनियों में पैसा इंजेक्ट हो जाए इकोनॉमी के अंदर। तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हम कहते हैं, क्लियर है। और चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, अभी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करा, तो ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है और घट सकता है, जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं। क्लियर है जी, समझ गए।